रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर वाफियत से होंगे। तो जी फाइनली सेटअप पर मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्गियाँ खाना पीना खा रही हैं। ये चूज़ों वाली मुर्गी को भी निकाला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे खा पी रहे हैं, ग्रोथ अच्छी जा रही है। दो गंजे आगे अल्हम्दुलिल्लाह और ये फैंसी वाइट वाले। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूज़े भी ठीक ठाक हैं। अभी इनको निकाला है, ये बाहर इनको लेकर जाएंगे। दूसरे मुर्गों की तरह बाहर सैन में छोड़ूंगा कुछ टाइम और पास बैठूंगा, क्योंकि बिल्ली का ख़तरा है शदीद। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरे मुर्गे भी खेल कूद रहे हैं। ये रहे हमारे फैंसी जवान। और आजकल ये मुर्गा अकेला हुआ हुआ है, इसकी बच्चे आए हुए हैं और दूसरा यानी इसकी बीवी के साथ आजकल बच्चे हैं। मुर्गी जो ब्लैक वाली है और सिल्वर स्प्राइट और दूसरे वाइट वाले फैंसी। और ये आप देख लें, पता नहीं आजकल ये अंडे उस तरह नहीं दे रही, इसकी क्या वजह हो सकती है या कोई इनका सीज़न होता है। एक भाई मुझे बोल रहा था कि फैंसी मुर्गियों का कुछ सीज़न होता है। ये रही हमारी देसी और असील मुर्गा, देसी मुर्गे दोनों असील मुर्गी। ये असील मुर्गी अभी कड़ों को हुई है, लेकिन इसके नीचे अब अंडे नहीं रखते। क्या पता पिछली बार की तरह अब इस दफ़ा निकालती है या नहीं निकालती, क्योंकि पहले जिसने नहीं निकाले थे चूज़े, दो ही निकाले थे, चार निकाले थे सॉरी। तो असल में पहले मैं मुर्गों को और जब भी बंद करूं तो खाना पीना डाल के दिन को अंदर ही छोड़ दे जाता था ना, तो इधर कमरे में खुले घूमते थे। और दूसरे कुछ उस जगह बंद कर देता था, लेकिन आजकल गर्मी हो गई है, मैंने सोचा इनको अंदर नहीं बंद करता, बाहर ही खुला छोड़ देता हूँ। तो मैं कुछ दिनों से इन्हें खुला छोड़ के जा रहा हूँ बाहर। पहले तो अंदर एक आध दो तीन अंडे ज़रूर पड़े होते थे, आजकल कोई एक आध भी अंडा नहीं है। पता नहीं अब ये मुर्गियाँ अंडे डालना छोड़ गई हैं या अंडे कहीं ऐसी जगह पर दे रही हैं, जैसे मतलब छत छत पर या कोई ऐसी जगह पर जिधर से हम ढूंढ नहीं पा रहे, तो अल्लाह बेहतर जानता है। तो कोई भाई मालूमात रखते हो कि क्या इन दिनों में मुर्गियां अंडे देना बंद कर देती हैं? गर्मी गर्मी के दिन है, शदीद गर्मी है हमारे पास, तो क्या इन दिनों में मुर्गियां अंडे बंद कर देती हैं? क्योंकि गर्मी है, पता नहीं गर्मी की वजह से या अंडे दे रही हैं और हमें मिल नहीं रहे, तो ये क्या वजह हो सकती है? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मुर्गी अभी तक तो बच्चों की केयर अच्छी कर रही है। देखें आगे क्या बनता है इस मुर्गी का। ये राज सिल्वर। अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों मुर्गे भी फुल तैयार हैं, या तो सेल करेंगे या ज़बह करके खा जाएंगे इनको। बोल रहा है जी रेड वाला काटता है, असील थोड़ा बहुत काटता है किसी टाइम ये वाला। देखें तो पता नहीं आप अंडे क्यों नहीं दे रहे, वैसे भी गर्मी हो गई है काफ़ी हद तक। तो इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि सेटअप पर नई कोई ब्रीड लाएं। मेरी तो कोशिश है कि असील हीरा ब्रीड लाई जाए। वो एक भाई से मैंने बात की हुई थी, अगर उनके पास हमें मिल गए, और कल भी एक भाई से बात की है, उसके पास असील चूज़े घूम रहे थे, मैंने पूछा, वो भी बोलते हैं बीच में सेल करते हैं, तो अगर उनसे मिल गए तो इंशाल्लाह लाएंगे और भी मुख्तलिफ़ चीज़ें लाएँगे अपने सेटअप पर। बहरहाल देखते हैं पहले
कि असील मुर्गियों में ये जो अपने पास पुरानी पड़ी हुई इन्हें सेल करें या इन्हें अपने पास ही रखना है, या देसी मुर्गियों को सेल कर दें, क्योंकि अभी अंडे भी नहीं दे रही और देसी मुर्गियाँ। तो वैसे मेरे ख्याल से मेरा जो आइडिया है वो अंडे दे रही हैं या उस गेट के पीछे दे रही हैं या पीछे इधर ईंटें पड़ी हुई हैं ईंटों में दे रही हैं, हमें पता नहीं चल रहा। इस वजह से आज मैं इनके चेक भी करता हूँ ताकि पता चल जाए, ना हुआ तो इन्हें हम सेल कर देंगे इंशाल्लाह और फिर नहीं ले आएंगे। तो जो भाई न्यू है हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जल्दी नई चीज़ें हम अपने सेटअप पर लाएंगे, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।